कानूनी पछड़े में फंसे बिंदु दारा सिंह के भाई, जालसाजी धोखाधड़ी का केस दर्ज। एक्टर बिंदु दारा सिंह के कजिन भाई और दिवंगत रेसलर दारा सिंह के भतीजे शाद रंधावा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। शाद के खिलाफ मुंबई पुलिस ने धोखाधड़ी और जालसाजी का केस दर्ज किया है। शाद पर आरोप है कि उन्होंने कपरेड स्थित अपने रेस्टोरेंट के लिए विदेशी शराब का लाइसेंस पाने के लिए जालसाजी दस्तावेज का इस्तेमाल किया। साउथ मुंबई की माता रामाबाई अंबेडकर मार्ग पुलिस थाने में शाद के खिलाफ FIR दर्ज की गई। पुलिस ने शाद के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। शाद के खिलाफ दो लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस इस बात की तहकीकात करे कि शाद रंधावा ने शराब का लाइसेंस पाने के लिए टेंटेंट रिसिप्ट और NOC जारी किया था, जिसे उन्होंने स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट में जमा कराया था। शाद रंधावा पेशे से एक्टर और होटलियर हैं। शाद ने कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया। उन्होंने आवारापन, आशिकी 2, एक विलन, हेट स्टोरी 4, बोलमे, मस्ती जादे, सांड की आंख और मर्जावा जैसी फिल्मों में अहम रोल निभाया है। शाद रंधावा ने 2006 में मैसूरी की फिल्म बोलमे से डेब्यू किया था। वे भारतीय रेसलर और एक्टर रंधावा और एक्ट्रेस मल्लिका के बेटे हैं। शाद ने टीवी सीरियल में भी काम किया। वे पॉपुलर शो चंद्रकांता और कुमकुम भाग्य का हिस्सा रहे हैं। खबर अच्छी लगे लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।